नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी और एग्रीकल्चर टीए से संबंधित जो भी एग्रीकल्चर के वीडियो हैं, ये 17वां वीडियो है। इसको आप लोग जो है पढ़ते जाना, कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ से मदद होगी। ये 2003 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं टीजीटी में। तो जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, एशियन साग सब्जी अनुसंधान विकास केंद्र ताइवान है, ठीक। मूंगफली का जन्म स्थान ब्राजील है। ये सारे क्वेश्चन टीजीटी में पूछे गए हैं। मक्का, तुरी, गेहूं, मूंग फसल चक्र बहुफसली पद्धति का उदाहरण है। मक्का की फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है। मक्का की ऐसी फसल है जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है। बरसीम की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। बरसीम एक चारा फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। आर्नन एक वैज्ञानिक थे। आर्नन के आधार पर केवल 16 तत्व पौधों के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है, 15, 16, 17, 18। तो उसमें ऑप्शन था 16 जो है सही था। उसमें जो है कौन कौन से तत्व थे, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जस्ता, कॉपर, ब्रोमीन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये तत्व हैं जो किसी पौधों के लिए आवश्यक तत्व हैं। 16 इनकी संख्या है, इसको ध्यान रखना। फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया, अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया क्रॉपिंग कहलाती है। क्या? क्रॉपिंग। टाइप 3 एक धान की सुगंधित प्रजाति है। बाग में पौधे लगाने की षटभुजाकार विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अमरूद के पौधे लगाए जाते हैं तो षटभुजा पद्धति के अनुसार जो है लगाए जाते हैं। विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकता है। सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर 5-6 किग्रा है, 5 से 6 किलोग्राम। खड़ी फसल कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को रिले क्रॉपिंग कहते हैं। मतलब खड़ी फसल कटने के पूर्व उसी में दूसरी फसल बोने की क्रिया को कहते हैं रिले क्रॉपिंग। जवाहर रोजगार योजना 1989 में प्रारंभ की गई। कौशल मूंगफली के गुच्छेदार प्रजाति है। सरसों की तेल की कड़वाहट, जो सरसों में तेल में कड़वाहट होती है, वो ग्लूकोसिलेट्स रसायन के द्वारा होती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आई। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये आ चुके हैं क्वेश्चन टीजीटी में। तो ध्यान रखना, जो भी कृषि के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो टीजीटी, चाहे वो पीजीटी, चाहे शुगर केन, सब एक ही होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसको आप जो है नोट्स बना के रखिएगा, कभी न कभी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। ये मेरा नंबर है 7379823368। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। आप कॉल करके जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक। अगर मैंने आपको कहा था आपको नोट्स चाहिए AGTA, ठीक है, या एग्रीकल्चर स्पेशल, AGTA एग्रीकल्चर स्पेशल, तो जो है आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, आप ऑफर का फायदा उठाइए, जल्द से जल्द आप नोट्स लीजिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जिससे आपको फायदा मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।